अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ विद एनिमल्स में। मैं रिजवान अली। दोस्तों, आज हम भिवंडी में हैं और काफ़ी अच्छा माल है, आप सब देख सकते हैं। तो हम जानेंगे कि पूरा एड्रेस ये कहाँ पर है माल और क्या प्राइस है और कौन कौन से ब्रीड में है। तो मिलते हैं मुशाहिद भाई से और उनसे बात करते हैं कि उनके पास क्या क्या अभी बकरे अवेलेबल हैं और कितने बकरे अभी आने बाकी हैं। काफ़ी अच्छा भाव है इनका, इंशाल्लाह ताला देखते हैं, इनसे बात करते हैं मुशाहिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। मुशाहिद भाई, कितने बकरे हैं ये टोटल? भाई ये टोटल तकरीबन 70 बकरे हैं। 70 बकरे हैं। हाँ, तो इसमें ब्रीड कौन कौन सी है भाई? इसमें सोजत है, गुजरी और सिरोही है। सिरोही है। तो ये कितना दिन हो गया आपके पास आके? भाई अपने लगा के तकरीबन एक आध हफ्ते के करीब होने आए। एक आध हफ्ते के करीब, मतलब सेट हो चुके हैं बच्चे यहाँ पे। इनका वैक्सीन वगैरह जो होता है नॉर्मली वो आप कर चुके हैं? हाँ, वो नॉर्मली जो होता है वो कर चुके हैं। सब बकरे माशाल्लाह एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। तो अगर किसी को परचेस करना हो तो वो आके आपसे सौदा कर सकता है, ले सकता है। जी जी। और रखने का सिस्टम यानी यहाँ पे कैसा क्या है ये? रखने का तो भाई ऐसा अपनी बात चालू है, को बंदे को अपन तैयार कर रहे हैं कि भाई तू रख। हाँ, जगह होगा उसको अपन दे रहे हैं, वो तैयार होते तो फिर इंशाल्लाह रखेंगे भी। रखेंगे, नहीं तो आओ। और अपने बकरे अगर परचेस करना है तो लेके जाना चाहते हो? जाना चाहते तो वो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो इसमें प्राइस क्या है बकरों की? कुछ अलग अलग प्राइस है कि कैसा क्या हिसाब है भाई? इसमें जो बड़े बकरे हैं ना, हाँ, जैसे जो 80 किलो 85 किलो, हाँ, वो नक पे रहेंगे। हाँ हाँ। और अपने जो सिरोही नॉर्मल आते हैं ना ब्राउन कलर है, हाँ, जैसे ये बकरा हो गया 380 रुपये किलो। 380 रुपये। हाँ, और जो गुजरी रहेंगे वो 390। हाँ। और जो सोजत रहेंगे वो 425। तो अभी ये बकरा तो सिरोही में ही है ये? हाँ, ये सिरोही में। ये बड़ा बकरा है ना, ये नक पे रहेगा, ये नक पे रहेगा। कुछ बकरे इसमें अपने नक पे खरीदे हुए बकरे देख रहा हूँ, काफी अच्छे अच्छे बकरे हैं। जैसे वो बकरा गुजरी जा रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। और नॉर्मल जो अपने ये किस में आएगा, ये जो सामने ब्रीड खड़ी है, अच्छा कलर ये भाई? सोजत में आएगा। सोजत में आएगा, तो सोजत 425 रुपये किलो है। अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बेटा वहाँ से हका लो बच्चों को। तो बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सोजत भी है, गुजरी भी है, इनका माल और भी आने वाला है अभी और कंटिन्यू बहुत अच्छा अच्छा माल आएगा। अब एक वो गुजरी देखिए, बहुत ही अच्छा है भाई। लास्ट टाइम आपने कितने बकरे बेचे थे यहाँ से? भाई लास्ट टाइम अपन समझ लो लगभग 650 के करीब बकरे बेचे थे। माशाल्लाह, अभी अपन अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन हुए सेलिंग चालू करे हैं, तकरीबन 80 बकरे सोल्ड हो चुके हैं। 80 बकरे सोल्ड हो चुकी है। तो अगर किसी को पूरी पूरी गाड़ी माल आप वो भी दे सकते हो कि खाली? हाँ भाई, दे सकते ना, वो आए सामने बैठ के बात करे देंगे। अच्छा, तो आप उनको बता देंगे पूरी डील कैसे है? हाँ, कैसे नहीं है सब पूरा समझा देंगे, क्या है क्या नहीं है, तो
फिर वो हिसाब से। और ब्रीड में क्या क्या मिलेगा उनको अगर? भाई कैसा रहेगा समझ लो, यही सिरोही का माल रहेगा। हाँ, उसका रेट अलग चलेगा, बाकी गुजरी रहेगा उसका रेट अलग, सोजत रहेगा उसका। अच्छा, सबका अलग अलग रेट है ऐसे मिक्स लॉट में, ऐसा कुछ नहीं जैसे आपके पास अभी ये इसमें सोजत भी है मैं देख रहा हूँ, गुजरी भी है, सिरोही भी है, तो वैसा कुछ सिस्टम है कि मतलब सब मिक्स माल भी आएगा या अलग अलग माल आएगा? नहीं, अलग अलग आएगा भाई, क्योंकि कैसे अपन अपना परचेसिंग किया वो सब अलग अलग है। हाँ हाँ, और अपना ये फार्म का सिस्टम थोड़ा सही नहीं था, तो बकरे दूसरी जगह हटाना पड़ा था, पानी आ गया था, तो वो हिसाब से माल इसमें मिक्स हो गया सर। अभी इंशाल्लाह हो गया तो माल भी सब अलग 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 हो जाएगा तीनों में सब। एक मेरे को वो जरा सा बकरा दिखाइए ना, ये बकरा दिखाइए, ये बड़ा वाला अंडू भाई, इसकी आप प्राइस बता सकते हैं क्या, क्या प्राइस है इसकी? हाँ भाई बता सकते हैं, ये बकरा तकरीबन 85-90 केजी का होएगा। और दांत में क्या होगा? छह दांत है भाई, छह दांत में है जी। बहुत माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह बच्चा है, मेरे को बहुत पसंद आया ये बच्चा पर्सनली। आप इसकी हाइट वगैरह देखिए भाई, हाइट भी मैं समझता हूँ 39 तक प्लस है या 39 तक तो है, 40-41 होगी ना? नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा जंबो बकरा है, बनावट बहुत अच्छी है, बनावट बहुत अच्छी है, एकदम कमांड पीट में है जो अंडू में पसंद करते हैं लोग। तो इसकी प्राइस क्या होगी भाई? भाई इसका 50,000 कोस्ट कर रहे हैं, 50,000 50,000 रुपये कोस्ट करें आप। नहीं बच्चा माशाल्लाह, सीना वगैरह देखिए आप बच्चे का, हर जगह से माशाल्लाह बच्चा भरा हुआ है और बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आप आके लाइव देखेंगे और सौदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि एक से एक खूबसूरत बच्चे हैं। ये गुजरी हो गया, अभी ये दो दांत पे है माशाल्लाह बच्चा, बहुत ही अच्छा भाई। ये क्या वजन से है? हाँ वजन से, ये 390। अगर कोई जैसे आता है जिसको 10 बकरे चाहिए, 20 बकरे चाहिए, कोई 30 बकरे चाहिए, तो उसका क्या हिसाब रहेगा? यही सेम वजन में मिलेगा कि कुछ कम ज़्यादा? देखो भाई, वो तो उसकी चॉइस के ऊपर रहेगा कि वो क्या चॉइस कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर वो मिक्स माल ले रहे जैसे सोजत गुजरी सिरोही, तो उसका रेट अलग देंगे। हाँ हाँ, अगर वो पूरे सिरोही ले रहे तो उसका रेट अलग देंगे, पूरे गुजरी ले रहे तो उसका रेट अलग। तो भाव में कुछ होगा? भाव में हो जाएगा भाई, बस जो बंदा लेने वाला है वो आके बैठे बात करे, चॉइस करे, इंशाल्लाह उसको सब अरेंज करके दे देंगे। जितना यानी आप फैसिलिटी दे सकते हो, जितना आप कम कर सकते हो कर सकते हो उतना अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और बकरे लेने के ऊपर भी रहता है कि मतलब कितना बकरा निकाला है उसने, 10 बकरा ले रहा है, 20 बकरा ले रहा है, 40 बकरा ले रहा है, वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगा, नहीं बच्चे तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे, ये सब बच्चे देखिए आप माशाल्लाह, बहुत ही क्वालिटी सब शाइनिंग वाले अच्छे खाए पिए बच्चे हैं माशाल्लाह, तैयार बच्चे हैं। और कलर वगैरह देखिए आप, आप ऐसे कहीं फार्म पे लेने जाओगे आप तो आपको मालूम है क्या भाव में मिलेंगे। और ये भी माशाल्लाह सब सेट हो ही चुके बच्चे हैं भाई, सब सेट। कोई अभी हम भी देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और इंशाल्लाह ताला दो चार दिन में तो और ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, और फ्रेश हो जाएंगे। नहीं बच्चे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और भी अभी बच्चे आपके पास अवेलेबल हैं? हाँ ना भाई, अभी और बच्चे अवेलेबल है, शेड में है, मैं शेड दिखा देता हूँ, वहाँ सामने शेड है भाई का, तो उसमें और बहुत से बकरे हैं, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे जल्दी, तो देखेंगे ये कौन कौन से बकरे हैं और क्या प्राइस होने वाला है। भाई ये साल क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी कि क्या हिसाब रहेगा? भाई ये साल बहुत ऊपर जाएगी, बकरे कम है, कम है, तो जिसको भी लेना हो वो परचेस कर सकता है यहाँ से, अच्छा भाव दे रहे हैं और चीज़ भी अच्छी है माशाल्लाह। आप गुजरी वगैरह देखिए, ये कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में गुजरी है, जो प्रॉपर गुजरी बोलते हैं वो सब बच्चे हैं इसमें, और सोजत के कुछ बच्चे हैं, ये भी आप मक्की चीना थोड़ा सा गंदे हैं अभी, लेकिन साफ़ सुथरे हो जाएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छे लगेंगे। और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह जहाँ भी अच्छे बच्चे अवेलेबल रहेंगे अच्छे भाव के आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोग का सपोर्ट चाहिए और सब्सक्राइब करें, 75% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, मैं इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बच्चे तो माशाल्लाह मेरे को काफ़ी पसंद आए। और मुशायद भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा जी भाई, आप जो भी रहेगा लेकिन फ़ोन उठाइए। हाँ, और व्हाट्सअप भी कोई कर, व्हाट्सअप भी चालू है आपके नंबर पे? जब मैं भाई बिजी रहता हूँ तो कॉल नहीं उठा पाते, जैसे बकरे लोग में इंजेक्शन हो गया ये वो, लेकिन जो कॉल दिखता है तो मैं जितना मेरे से कॉल बैक हो सकता है मैं कर दूँगा। तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, सभी को रिप्लाई था। तो अगर किसी को वीडियो वगैरह चाहिए रहेगा तो वो आप करा दो भाई। मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप यहाँ पे आओ, सामने चीज़ देखो, वजन करो अपने हिसाब से, देख के लेके जाओ। और कैसा भाई, अपन ट्रांसपोर्ट करते नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, आप आ सकते हो तो आप आके देखो या देख के लेके जाओ।
अरेंज करा के दे सकते हो? अरेंज करा के यहाँ से बॉम्बे तक मैं दे सकते हो आप, यानी अगर क्योंकि कैसा है कि अब बॉम्बे के लोग आएंगे उनको यहाँ ट्रांसपोर्ट करवा तो मालूम नहीं कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, अरेंज करा के दे सकते हो? अरेंज करा के दे सकते हो? खुद से कोई वीडियो पे मैं ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, यानी अगर फोटो वीडियो पे ले लिया बोला भाई भेज के दो, वैसा नहीं कर। और मैं भी यही बोलूंगा कि आप सामने आओ, बच्चे बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, और सामने जो भी रहेगा एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, सामने वजन कराओ आपका। जो क्या रहता है भाई, फिर मैं कुछ वजन दूँ, बकरा रनिंग में कुछ वजन तोड़ता है तो फिर वो बोलेगा भाई आप इतना वजन बोले थे, बकरा इतना वजन इतना वजन। और बकरी के सिस्टम रहता है भाई कि शौक बोले समझते कि बकरा रनिंग में वेट तोड़ता है, हाँ। लेकिन जो दाए मतलब महीने भर वाले रहते उनको ये चीज़ नहीं समझती है। ये तो बात आपने सही बोला है, तो सामने सामने वजन कराएंगे और बकरे लेंगे, करो देखो लेकर जाओ, लेकर जाओ वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो एक अच्छी चीज़ है। अब ये बकरे का कलर देखिए माशाल्लाह। तो आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड होते रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।